बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने आज एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है, तो वो जी मैंगो का शेक है। मैंने 3 अदद मैंगो लिए हैं और इन्हें क्यूब में काट लिया है। 1 कप शुगर है और 1 पैकेट जेली है, मैंगो जेली, और ये भी शेक में जाएगी। और 3 टीस्पून मेरे पास साबूदाना है, जो कि बहुत ही ठंडा होता है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और स्टोमिक में ठंडक पहुंचाता है, तो ये है, हाजमा दुरुस्त करता है, तो ये मैंने लिया है। तो इसलिए जी 1 लीटर मैंने मिल्क लिया है। अब इन सब को हम करते हैं शेक और इसके बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। और डालती हूँ जग में जी। तो अब मैं मैंगो जग में शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी, तो हम दूसरी बार बना लेंगे। शुगर हाफ ये जाएगी और उसके बाद जी मिल्क, ये शामिल कर लिया। अब मैं इसको करती हूँ बंद। अब इसे उतार लेते हैं जी। अब मैं दूसरी बार जो हल्का था अब वो शामिल कर दी हूँ। अब मैं मिल्क शामिल कर दूंगी। जी तो हमारा मैंगो शेक रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा बना है। और जो इसमें मैंने चीज़ें आपको बताई थी, साबूदाना और जेली, मैंगो जेली, तो वो भी है रेडी। ये देखिए, मैंने पहले भी बताया कि इसको मैंने बॉयल कर लिया था और उसके बाद छान लिया था। तो अब इसको मिक्स करती हूँ करके, तो फिर हम इतना सा शेक में डालते हैं। इसको हम शेक कर लेते हैं और ये देखें इसके अंदर, ये देखें पर इसके नज़र आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब मैं जी इसके अंदर जेली शामिल कर दूंगी। ये देखें माशाल्लाह, बहुत अच्छी कलर है और इस तरह तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से फिरते होंगे। जेली हमने शामिल कर दी और इसको मैं शेक कर लूँगी। हम इन्हें सर्व करूँगी ग्लासों में। अब चाहें तो आप ग्लास के अंदर भी और थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही इसकी लुक अच्छी लग रही है।
मैंने जल की ऐड कर दी है और बहुत ही अच्छा शेक बना है। और ये पिएं और मज़े उड़ाएं मौसम गर्मा के, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप अपने बच्चों को दें, खुद पिएं टेस्टी टेस्टी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर किया करें, और मुझे बताएं कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। राजकाक्तर को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।